नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। बात करते हैं राजसमंद जिले की प्रमुख खबरों की। कुंभलगढ़ के काकरवा ग्राम पंचायत के चांबुआ गांव में 35 वर्षीय युवक की हत्या कर हाथ पैर बांधकर कुएं में फेंका। पुलिस ने निकलवाया शव। चांबुआ निवासी देवाराम पुत्र लहरूलाल भील के रूप में हुई पहचान। डीएसपी नरपत सिंह व सीआई शैतान सिंह ने मौके पर पहुंच शुरू की जांच। भील युवा मोर्चा जिला संयोजक चमनाराम भील, वन्नाराम बाबूलाल, वरदाराम भील ने पुलिस से की निष्पक्ष जांच की मांग। मिली थी चांबुआ में बावड़ी में एक बॉडी तैरती हुई दिखाई दी थी। इस पर जाप्ते के साथ वहां पर मौके पर पहुंचे थे तो बॉडी को बाहर निकाला तो उसकी पहचान देवा पिता लहरू चांबुआ के रूप में हुई है। 35 वर्ष उम्र है उसकी, जाति भील है। बॉडी का भी पीएम वगैरह कराया जा रहा है और प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत होता है। अभी मामला दर्ज कर जांच जारी है फिलहाल। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती कांग्रेस ने सद्भावना दिवस के रूप में मनाई। सभा में राजीव गांधी की छवि पर कांग्रेस जनों ने अर्पित की श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष देवकीनंदन गुजर, पीसीसी सदस्य हरि सिंह राठौड़ व पूर्व जिला प्रमुख नारायण सिंह भाटी ने किया संबोधित। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष सुंदरलाल कुमावत, जिला महासचिव भगवत सिंह गुजर, कुलदीप शर्मा, नगर अध्यक्ष बहादुर सिंह चारण, ओबीसी जिलाध्यक्ष नानालाल शार्दुल, पूर्व सभापति आशा पालीवाल, देवेंद्र कच्छारा, दिनेश नंदवाना, रामेश्वर खटीक, नेता प्रतिपक्ष अशोक टांग, पार्षद ब्रजेश पालीवाल आदि थे मौजूद। छापली के नवलियापग में क्षतिग्रस्त सड़क की दुर्दशा को लेकर ग्रामीणों ने भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत के नाम लिखे पोस्ट कार्ड। कच्ची सड़क से बारिश के मौसम में कीचड़ से गुजरना लोगों को रहता है मुश्किल। ग्रामीणों ने पक्की सड़क की मांग को लेकर भीम विधायक से की है मांग। कार्यक्रम में नारायण सिंह, अनिता कुंवर, बोजरा सिंह, लीला देवी, बादामी देवी, खिमाराम सालवी, लक्ष्मण सिंह खोखावत, गोवर्धन प्रजापत, केसर सिंह, कालूराम सालवी, नैनू सिंह रावत आदि थे मौजूद। कुंभलगढ़ के खेड़लिया स्कूल और गजपुर स्वास्थ्य केंद्र परिसर में युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पौधरोपण कर मनाई राजीव गांधी जयंती। विधानसभा अध्यक्ष विनोद जोशी व ब्लॉक अध्यक्ष रूप सिंह खरवड़ के नेतृत्व में किया पौधरोपण। कार्यक्रम में राकेश जोशी, हिम्मत सिंह बल्ला, भगवत सिंह बल्ला, पीजी कुंजल, अनवर अली, ओम सुथार, ईश्वर सुथार आदि थे मौजूद। सेवंत्री के रूपनारायण सेवा संगठन के पदाधिकारियों का कांकरोली कृषि उपज मंडी परिसर में व्यापारियों ने किया स्वागत। मेवाड़ी पगड़ी व उपरना उड़ाकर किया अभिनंदन। व्यापार मंडल अध्यक्ष डालचंद कुमावत, नारायण लाल गुजर, मनीष जैन सहित कई व्यापारी थे मौजूद। आज मेवाड़ की पावनपुरी भूमि प्रभु श्री रूपनारायण के पावन दरबार से द्वारकाधीश जी की पावन नगरी में हमारे श्री रूपनारायण सेवा संगठन के सभी हमारे पदाधिकारी यहाँ पधारे और आज मंडी के हमारे सभी भाइयों का स्वागत किया। इस मौके पर हम कृषि उपज मंडी की तरफ से भी हमारे सभी भाइयों की तरफ से रूपनारायण सेवा संस्थान के सभी पदाधिकारियों का इस मेवाड़ की पावन पुरी भूमि पर मेवाड़ी पगड़ी उपरना उड़ाकर हम राजसमंद कृषि मंडी में इनका अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार। निर्मल ग्राम पिपलांत्री में भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम में पीरू खुंची, चिराग पालीवाल, अर्जुन खटीक, नवीन पालीवाल, कैलाश पालीवाल, लवेश पालीवाल, हितेश व्यास, रमेश सिंह राजपूत, गोविंद सिंह राजपूत, राहुल पालीवाल आदि थे मौजूद। भीम के प्रवीण सिंह चौहान ने जन्मदिन पर गरीब व मेधावी विद्यार्थियों को वितरित किए शिक्षण सामग्री। शिक्षक केदार उदयराम, मनीष चौहान व दुर्गा प्रसाद थे मौजूद। प्रवीण सिंह के जन्मदिवस पर श्री प्रवीण सिंह द्वारा इस विद्यालय में बच्चों के लिए स्टेशनरी और मोमेंटो प्रदान किए गए हैं। ये इन्हीं का प्राथमिक लेवल का विद्यालय है जिस पर इन्होंने अध्ययन किया और ये इस विद्यालय को उच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। राजसमंद में भावना कुमावत के डॉक्टर बनने पर कृषि उपज मंडी परिसर में व्यापार मंडल ने किया सम्मान। व्यापार मंडल अध्यक्ष डालचंद कुमावत, नारायणलाल गुजर, मनीष जैन थे मौजूद। राजसमंद झील में डूबने से नया बाजार कांकरोली निवासी 25 वर्षीय मनीष साहू की मौत। दुकान बंद करने के बाद दोस्तों के साथ गया था नहाने। 2 वर्ष पहले ही हुई थी शादी, एक छोटा बच्चा भी है। पुलिस ने निकलवाया शव, जिला अस्पताल के मोर्चिन में रखवाया। इसी तरह की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए जयवर्धन न्यूज़।